आज हम फिर से आ गए हैं और एक नए वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि आज चारों ओर जो माहौल है एक बहुत ही भयंकर डिजीज़ की वजह से चारों ओर माहौल बहुत सीरियस हो चुका है। ये दिन दिन ये जो डिज़ीज़ है वो इंक्रीज़ करते जा रहा है, लेकिन हाँ, हमारे इंडिया में बहुत ही अच्छे अच्छे मेजर्स लिए गए हैं ताकि हम इससे बच सके, हमारे सारे जो देशवासी हैं वो लोग इससे बच सके। दोस्तों, ये जो डिज़ीज़ है उस डिज़ीज़ का नाम हम सब जानते हैं, नोवेल कोरोना वायरस डिज़ीज़। दोस्तों, ये नोवेल वर्ड क्यों ऐड हुआ था, ये जो वीडियो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ वो मेनली एमसीक्यू रिलेटेड, जो मतलब कि एमसीक्यूज जो आएंगे, आने का चांसेस है एग्ज़ाम्स में, वो रिलेटेड होगा। लेकिन दोस्तों, आप इसमें थोड़ा थोड़ा आप लोगों को वो भी मैं इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी कि आप कैसे मेंटेन करें आपका हाइजीन, या फिर आप कैसे चले रहे, सेफ रह सके, वो कुछ टिप्स भी मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ये कोरोना वायरस जो डिज़ीज़ है, ये जो वायरस है, इसको क्यों नोवेल कोरोना वायरस पहले कहा जाता था, अभी फ्रॉम 11 फरवरी इसको एक नए नाम से बुलाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले इसको नोवेल कोरोना वायरस बोला जा रहा था, क्योंकि ये जो सिंड्रोम देखा जा रहा है कोरोना वायरस का, ये सिंड्रोम पहले कभी भी नहीं देखा गया था। ये एकदम पहली बार कोरोना वायरस, ये पार्ट टू कोरोना वायरस है, और जो सिम्टम्स देखा जा रहा है वो एकदम ही नया सिम्टम है, इसीलिए इसको नोवेल, ये वर्ड नोवेल यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट जो आते हैं, फ्रॉम 11 फरवरी, ये जो कोरोना वायरस डिजीज़ है या फिर कोरोना वायरस जो है, इनका एक नया नाम दिया गया है, वो है सार्स कोरोना वायरस 2। सार्स मतलब सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस कोविड तो आपको पता है, एंड टू क्यों, क्योंकि लास्ट 2003 में सार्स कोरोना वायरस का ही एक मतलब कोरोना वायरस जो है वो सार्स जो एक डिजीज़ है वो स्प्रेड हो गया था पूरे विश्व में। वहाँ पे उस टाइम मॉर्टेलिटी रेट था अराउंड 50%। दोस्तों, यहाँ पे भी एक बहुत ही पॉजिटिव जो बात है जो हम सबको जानना चाहिए, वो है कि हम बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो चुके हैं ये कोरोना वायरस डिज़ीज़ को लेके, या फिर सार्स कोरोना वायरस डिज़ीज़ को लेके। दोस्तों, हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो हमें सतर्क कर रहा है, हमें सतर्क रहना चाहिए, लेकिन हाँ, पैनिक नहीं होना है हमको, हमको डरना नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है, अगर हम आप थोड़ा अलग अलग जो वायरल डिजीज़ है उसका जो डेटा है वो अगर देखेंगे, जैसे कि इबोला, सार्स, मार्स, ये जो वायरस रिलेटेड वायरस इफेक्टेड डिजीज़ था, उसमें मॉर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु के जो हार था वो बहुत ही ज़्यादा था, लाइक 50% 60% ऐसा था। यानी कि इबोला के टाइम में ये मॉर्टेलिटी रेट या फिर मृत्यु हार था 50%, मतलब हर 100 जनों में से 50 जन जो है उनका मृत्यु निश्चित था। लेकिन अब इस टाइम कोरोना वायरस 2 जो डिज़ीज़ स्टार्ट हुआ है, अभी स्प्रेड हो चुका है, उसमें मॉर्टेलिटी रेट 1 out of 100%, 1 से 2 जन का मृत्यु यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। लेकिन दोस्तों, ये सोचना हमारे काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारे ईश्वर स्वरूप डॉक्टर्स है, वो हमारे लिए बहुत ही, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, कोई भी मेडिकल के जो जो लोग हैं वो हमारे लिए दिन रात जाग रहे हैं, हमें बचाने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ लोग इनमें से आ रहा है जो बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल है, जिनकी वजह से ये जो डिज़ीज़ है वो स्प्रेड हो रहा है। दोस्तों, हमें घबराना नहीं है, बहुत ही सतर्क रहना है, और हाँ, जो जो मेजर्स इंडियन गवर्नमेंट हमें बोल रहे हैं फॉलो करने के लिए, वो हमें फॉलो करना है। जैसे कि नेक्स्ट संडे को, दैट इज़ ऑन 22 मार्च, सुबह 7 बजे से रात 9 तक कर्फ्यू जारी होने वाला है। कर्फ्यू मतलब हम ये कर्फ्यू हमारे पालन करेंगे, एक्चुअली मानेंगे, नॉट पालन, हम घर पे ही रहेंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे। इससे क्या होगा, स्प्रेड बहुत कम हो सकता है, हमारे इंडियंस सारे बच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करना पड़ रहा है, वो है मास्क, हमें मास्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये यूज़ करना है। अभी क्या हो रहा है, कोरोना वायरस जो है वो थ्रू एयर स्प्रेड नहीं होता है, वो एक्चुअली
टच के वजह से हो रहा है. ओके, इसीलिए गवर्नमेंट या फिर सारे जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से नोटिस आया कि हमें ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे नहीं जाना है. अगर खांसी हो या फिर छींके तो ज़रूर हाथ को पूरा मुंह को ढक के करे, स्प्रेड नहीं हो ऐसा मेजर्स लेना चाहिए हमें. हमें मास्क यूज़ करना है और हाँ सैनिटाइज़र यूज़ करना है. अपने हाथ को मुंह पे, नाक पे, आँख में, ये तीनों जगह पे ज़्यादा मतलब अवॉइड कीजिए इसको टच करना. न्यूज़पेपर कैंसिल कीजिए अभी कुछ दिनों के लिए. हमारे पास तो फ़ोन है ही, हमें न्यूज़ मिल जाएगा. और हाँ ज़्यादा पैनिक मत होइए. सोशल साइट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत गलत चीज़ें हमारे पास आ रहे हैं, जैसे कि अगर कोरोना वायरस से बचना है तो अदरक खाइए, लहसुन खाइए. लेकिन ये ठीक नहीं है. ये कोई एकदम साइंटिफिक या फिर प्रूव्ड लाइक रेमेडीज़ नहीं है. इसीलिए जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, जो WHO से आया है नोटिस, उसको हमें फॉलो करना है. तो दोस्तों ये था वीडियो. लेकिन इसमें से भी हमें कुछ एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपरेशन करना है. उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आ रहा है, जैसे कि मैंने बोला था वायरस का जो नाम है वो है SARS-CoV-2. डिजीज़ का जो नाम है वो है COVID-19. ओके, एंड एक्चुअली कोविड होगा, COVID-19. एंड हाँ यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो वायरल रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं, अलग अलग वायरस का अलग अलग नाम दिया जाता है. ये जो देता है वो है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, वहाँ से ये नाम प्रोवाइड किया जाता है. ये और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों. बहुत ही सतर्क रहिए, बी सेफ. और हाँ अभी तक लगभग 220,000 लोगों में ये जो डिजीज़ है वो स्प्रेड हुआ है, जिसमें से 84,000 पीपल अभी रिकवरी हो चुका है. डेथ 8,800 है. दोस्तों आप खुद का ख्याल रखिए, आपके आसपास पे जो है उनका भी ख्याल रखिए. अगर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो ज़रूर उसको बोलिए कि रूल फॉलो करे. अगर हम हमारा अच्छा कर सके, हमारा भला कर सके, दूसरे का भला कर सके, तभी हमारा इंडिया बहुत ही सेफ रहेगा. तो दोस्तों आज बस इतना ही. अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे या फिर हेल्पफुल लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ कमेंट भी कीजिए. और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो दोस्तों फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ. बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू.